बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं। एक वीडियो जो कि मैंने शुरू शुरू में बनाया था, आज से तीन चार साल पहले मैंने ये बनाया था कि फेसबुक का सेटअप किस तरह करना है, मोनेटाइजेशन को किस तरह इनेबल करना है वगैरह वगैरह, तो वो काफ़ी पुराना हो चुका है। उस वक्त काफ़ी चीज़ें नहीं थे, अब नए नए चीज़ें आ गए वगैरह वगैरह। तो अब मैं एक पेज को दोबारा सेटअप करूंगा, उसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, यानी जो आपका पेज एलिजिबल हो जाता है उसको किस तरह आप सेटअप करेंगे, किस तरह उसे जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, और पाकिस्तान से किस तरह देंगे, बाहर से किस तरह, ये सब कुछ समझा दूंगा, आपके सामने प्रैक्टिकली कर दूंगा। फिर आप जो है अपने पेजेस को, अगर आपके पेज एलिजिबल हो जाते तो आप अपना सेटअप इस तरह कर लेना, इस तरीके से कर देना। बैंक बिलिंग कर दूंगा आपके सामने। तो चले, ये मेरे पास एक पेज रेडी हुआ है। ये अगर आपका पेज इस तरह रेडी हो जाता है, यहाँ पर अगर आ जाता है कि आपका पेज जो है वो एलिजिबल है, स्टार्ट सेटअप का ऑप्शन आता है, तो फिर आपका पेज एलिजिबल है। अगर यहाँ पर आपको आ रहा है कि आपका पेज एलिजिबल नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर आप जो है ये ना कहे कि यार मेरे पेज मोनेटाइज करा दे ये वो। जब सेटअप आ जाएगा तो आपका पेज एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपने सेटअप पर क्लिक कर देना है। सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इन स्ट्रीम वाले पे अगर आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, तो इसका मतलब ये आपका वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए पेज रेडी हो चुका है। अगर ये ब्रांडेड कंटेंट का, अगर ये ब्रांडेड वगैरह पे होता है तो आपका पेज एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं या मुझे मैसेज वगैरह कर देते हैं कि समी भाई मेरा पेज एलिजिबल है, ऐसे सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, आप मोनेटाइज करा दें। लेकिन जब मैं देखता हूँ ये ब्रांडेड कंटेंट का आता है, ये ज़ीरो पेजेस पे भी दे देता है, जिसका पेज पे ज़ीरो फॉलोवर वगैरह हो उसको भी ये दे देता है। फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन पे एक चीज़ समझने की बहुत अहम होती है, ये कि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। फैन सब्सक्रिप्शन भी अलग हैं, पेड ऑनलाइन इवेंट हैं, इंस्टीम एड फॉर लाइव हैं, राइट मैनेजर हैं, ब्रांडेड कॉन्टेंट हैं, और ये इंस्टीम एड्स हैं। छः मेरे ख्याल से अभी तक ये उन्होंने टूल्स मुतारफ़ कराए हैं। अब आपको बहुत सारे वो मिलेंगे कि आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसके लिए नहीं हो सकते। तो ये आप पहले देखें, जब आपका पेज एलिजिबल होता है तो आप देखें मेरा पेज किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब करते हैं, ये इंस्ट्रीम के लिए हैं, तो यहाँ पर आपको सेटअप का ऑप्शन मिलता है, तो आप सेटअप पर क्लिक कर देना है। अब ये मेरे पास ये आ गया है, ये कंप्लीट मैंने कर दिया है, एग्रीमेंट है, तो आप दोबारा भी इस तरह कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके ये एग्री टू टर्म पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सेटअप पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये तो आपका पेज आपको खुद ही दिखाएगा किस पेज के लिए आप करते हैं, आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप अपने पे आउट में से अपना कोई पे आउट लगाएंगे जो पहले से बने हैं, या फिर आप नए पे आउट सेलेक्ट करेंगे। देखिए, अब मैं भी यहाँ से पुराना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पुराना नहीं करना है, नया इसके लिए मैंने पे आउट बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, और इसके लिए फिर कोई सेटअप कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर नियो पे आउट लगाना है तो आप नियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। मैंने यूनाइटेड अरब इमारात सेलेक्ट करना है, दुबई। और अच्छा, ये इसलिए मैंने कंट्री दुबई सेलेक्ट किया, अगर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा तो फ्री एनरोल में चला जाएगा। अब इस पेज में ना राइट मैनेजर है, मैंने पाकिस्तान से ही अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये मेरा पाकिस्तान का टाइम है, अब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आज का डेट आप नोट कर ले, ये फ्रेश वीडियो है 11/5/2022। और बिजनेस टाइप में आपने सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मेरा नाम भी आ रहा है, तो ये मैं यहाँ पर अपना नाम दूँगा, और डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दूंगा, एड्रेस आप कोई भी दे सकते हैं, मैं फर्जी अपना दे दूंगा क्योंकि दुबई में तुम्हारा कोई एड्रेस है नहीं। और यहाँ पर सिटी में भी मैंने दुबई सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर स्टेट में दुबई सेलेक्ट करेंगे। दुबई का पोस्टल कोड है 0005, दफ़ा आप लगाएँगे, और नंबर भी मैं अपना यहाँ दे दूँगा अपना नंबर, ई मेल एड्रेस भी मैं अपना ही दे दूँगा, और एनटीएन नंबर में आपने जो है अपना सीएनआईसी नंबर देना होता है, ये आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन होता है, टीआईएन नंबर, तो ये आपने दे दिए। बाकी ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बाद आपको कहा जाता है कि आपने पेपाल लिंक करना है या फिर बैंक लिंक कर देना है, तो मैंने पेपाल नहीं बल्कि बैंक लिंक करना है। वैसे आपके लिए मशवरा है, अगर आपके पेज पर वो नहीं है
राइट मैनेजर नहीं है तो आप जो है वो दुबई सेलेक्ट कर ले, यूएसए सेलेक्ट कर ले, या फिर मैं कोशिश करूँगा इसमें यूएसए का ही बैंक लगा दूँ अभी से। बैंक डिटेल मैंने यूएसए का डाल दिए हैं, मैं इस पर पाकिस्तान का भी डाल सकता था लेकिन मैंने एहतियातन यूएसए का इसलिए डाल दिया क्योंकि ये पेज अभी मैं रिव्यू में भेज रहा हूँ, जब रिव्यू से मोनेटाइज होके आएगा ना तो तब हम इसका बैंक वापस चेंज करके पाकिस्तान का लगा देंगे। लिंक पे आउट पे आपने सेलेक्ट कर देना है। और अब आई है ना बारी टैक्स इन्फॉर्मेशन की। पहले ये होता था कि हम फॉर्म सबमिट करते थे, अब हमने डायरेक्ट जब यहाँ एड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा और ये हमें ले जाएगा टैक्स प्रोफाइल पे। अब यहाँ पर आप आपके पास आता है कि आप इंडिविजुअल, ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, आपको कहा जाता है कि आप यूएस सिटीज़न हैं वगैरह वगैरह, तो आपने कहना है कि नहीं, अगर आप हैं तो येस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं वगैरह, तो आप अगर कर रहे हैं तो येस, नहीं तो हम तो नहीं कर रहे हैं, तो आपने नो पर क्लिक करा। अक्सर लोग नहीं होते भाई, आप अपना पेजेस होते हैं तो ये आप नो कर लें। और यहाँ पर नेम तो मेरा है और सिटीज़न हम पाकिस्तान से हैं तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो CNIC नंबर है वो हो चुका है, और इसके बाद ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये एड्रेस वगैरह सारे हमारे हो गए हैं, हमने सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर कह रहे कि अगर आपने फिज़िकल कोई एक्टिविटी यूनाइटेड स्टेट में की है अमेरिका में तो ये आप 100% दे दें, या फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से परसेंटेज देंगे। तो आपने करना क्या है, ज़ीरो पे आपने क्लिक कर देना है क्योंकि हमने यूएसए कोई फिज़िकल एक्टिविटी हमने वहाँ पे नहीं की है, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा यूएसए से, ठीक है, सिर्फ हम वहाँ पे कोई सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, 0% पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद ये आपके सामने फिर ये आ जाएगा, यहाँ पर आपने चेक मार्क लगाना है और यहाँ पर आपने अपना साइन कर देना है। ठीक है, डेट तो ऑलरेडी यहाँ पर खुद ही उन्होंने ले ली है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपके पास W8 जो फॉर्म है ये आ चुका है, इसके बाद आप ये सारे आपके पास आ गए हैं, आपने सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमें वापस उसी पेज पे ले जाएगा। ये हमारा सेटअप हो गया है, जो हमने पे आउट देना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और ये कह रहा है कि अब आप अर्न कर सकते हैं इस स्ट्रीम से। ठीक है, डन हो गया। अब हमारे पास ये हो गए, हमने डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया, सेटअप भी हो गया है और हमने अपने पेज जो है वो रिव्यू में भेजना है। यहाँ से आप सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा पेज जाएगा रिव्यू के लिए। ये हो गई आपकी योर सबमिशन जो है वो वाज रिसीव, हमारा पेज जो है वो जा चुका है रिव्यू में। ये हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारा पेज चूँकि ये रेडी भी था और अब ये रिव्यू में भी है, देखें रिव्यू में आ चुका है पेज, अब रिव्यू में है। इंशाल्लाह यहाँ से कंप्लीट होके मोनेटाइज होके आएगा। अभी ये ब्रांडेड कंटेंट अगर आपके पास आए, ये भी साथ में करके दे देता हूँ। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देने, अलहदा पेज खुलेगा, यहाँ से आपने अपने पेज सेलेक्ट करना होता है। ये क्लिक करेंगे, सेंड कर देंगे, उसी टाइम ये अप्रूव होके आ जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारा ये सब कुछ क्लियर भी हो गया है और सब कुछ रेडी। सेटअप का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन वो जो एक्शन वगैरह था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इंस्टीम जो है वो हमारा रिव्यू में है, इन रिव्यू में, और ब्रांडेड कंटेंट वो हो गया है डन। राइट मैनेजर इसमें मिला हुआ है, ये ऑलरेडी डन हो गया। सिर्फ एक चीज़ जो इन रिव्यू था वो अभी है, वो एक दो दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा, मोनेटाइज हो गया, डन हो गया। अब ये हो गई इसका काम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी ख़ुद से सेटअप करना सीखेंगे, और पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत मेहनत की है इस चैनल के लिए, हालांकि मुझे दिलचस्पी भी नहीं है, फिर भी बस जो हो रहा है मैं चारों बस चलने दो। ठीक है, मुझे अपने बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।